Today I am going to make kunafa. This is a very popular Arabian dessert. So let's start cooking. मैंने यहाँ पर 200 ml मिल्क लिया है, इसे नॉनस्टिक कढ़ाई में ऐड करें। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून शुगर लिया है, इसमें ऐड करें। मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को 3 टेबलस्पून मिल्क में घोल लिया है, अब इसे इसमें ऐड करें और धीरे धीरे चलाते रहें। इसे 5-6 मिनट पे लो फ्लेम पर ऐसे ही चलाकर पकाएं ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े और ये गाढ़ा हो जाए। मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम लिया है, आप चाहें तो घर की मलाई या जो आपके पास अवेलेबल है वो भी यूज कर सकती हैं। क्रीम डालने के बाद इसे 1-2 मिनट हल्के फ्लेम पर पकाएं और ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए आप, ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, क्रीम अब बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी की हो गई है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। आइए अब इसके नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें मैं अब 100 ml वाटर ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम शुगर लिया है, अब इसमें ऐड करें। और इसका शुगर सिरप बनाए। जब तक से शुगर वाटर में डिजॉल्व नहीं हो जाए इसे तब तक पकाना है। ये मेरी शुगर वाटर में डिजॉल्व हो गई है, अब इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करें। इससे क्रिस्टलाइजेशन को रोकता है ये लेमन। शुगर सिरप अब बन के तैयार हो गया है, अब इसमें थोड़ा केवड़ा वाटर ऐड करें। मैंने यहाँ 100 ग्राम बनारसी सेवई ली है और इसे अच्छे से तोड़ लिया है हाथों से। मैंने 50 ग्राम बटर लिया है और इसमें ऑरेंज फूड कलर मिक्स कर दिया है। ये देखिए आप, इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसे सेवई में ऐड करें। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। आप चाहें तो बटर की जगह घी भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने यहाँ बेकिंग ट्रे को बटर से ग्रीस कर लिया है, अब इसमें सेवई सेट करें। पहले एक लेयर सेवई का नीचे लगाएंगे। इसे चारों तरफ अच्छे से रख कर इसे मैशर से प्रेस करना है। इसे आप मैशर के हेल्प से अच्छी तरह से सेट कर लें। इसे अब इसमें जो क्रीम बनाई है उसे ऐड करें। मैंने यहाँ पर क्रीम सेट कर दी है, अब इस पर फिर से सेवई का लेयर लगाएं। मैंने यहाँ सेवई की दूसरी लेयर भी अच्छे से सेट कर दिया है। आइए अब इसे ओवन में बेक करते हैं। ये मेरा कुनाफा बेक हो गया है। मैंने इसे माइक्रोवेव में 4 मिनट के लिए बेक किया है। आप अपने ओवन के अकॉर्डिंग टाइम अपना सेट कर सकती हैं। आइए अब इसे पिस्ता से गार्निश करते हैं। मैंने इसे पिस्ता से जो मैंने क्रश कर लिया है उससे डेकोरेट कर दिया है। अब मैं इसमें शुगर सिरप डालूंगी। आप सर्व करने से पहले इस पर शुगर सिरप पोर करें और इसे सर्व करें। शुगर सिरप थोड़ा गर्म होना चाहिए हल्का। ये मेरा कुनाफा बन के तैयार हो गया है। आप भी इसे फेस्टिवल और दावत में अपने घर में बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल अलवियाज किचन। ओके, बाय।